कल का कमेंट सेक्शन कैसा बहुत बोरिंग हो तुम। रहा? मैं बोरिंग हूँ तो क्या गुत्थी बन जाऊँ, साड़ी पहन के नाचने लगूँ? भाई अब मेरे को लग रहा है यही चाहिए तुम्हें। कॉफी साथ में, ये भाई गलत ही होता है भाई। ये क्या खा रहे हो? चिकन चिकन चावल चिकन? हाँ कैसा है? मजा आ गया। इतने ऐसे चम्मच से खा रहा, स्वाद नहीं आया। आंटी के लिए कुछ अल्फाज? गॉड जो चम्मच से फील नहीं आता ना, वही चम्मच से फील नहीं आता भाई। अभी मेरे को बहुत देर से तुम चम्मच से खा रहे थे। हैं क्या हुआ? वही ना, वो देख लो, अभी भी स्ट्रीम चल रही है गाइस। 2 बजे ना रात के। रात के 2 बज रहे हैं? नहीं बे, 1 बजने वाला है। मैं भी खा लेता हूँ। मैं चावल और पनीर खाऊंगा, पालक पनीर भी आया है। तो गाइस अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सर बारिश हो रही है, बहुत ही गजब बारिश हो रही है। मौसम कभी कभी दिल करता है कि अकेले भी इंसान बैठे, अपने को वक्त दे, चीज़ों के बारे में सोचे, अपने से बात करे। क्योंकि अपने से भी बात करना, खुद से अपने इनर सेल्फ से भी बात करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी आपको दिखाता हूँ अभी तो मौसम कैसा है। खतरनाक मौसम भाई, यहाँ यहाँ तक उड़ के बारिश आ रही हो भाई। मारो मुझे, मारो, गलत लेवल बारिश। अब लग रहा है भाई कि गलत तरीके से कुछ आया है, इतनी तेज़ हवा के साथ बारिश आ रही है भाई, देख रहे हो? गलत। हाँ तो गाइस अभी हम फ्रेश वगैरह हो गए, हमने वीडियो अपलोड पे लगा दिया था, वीडियो अपलोड करना था इसलिए अलार्म लगा के जल्दी उठे हम। बहुत मस्त वीडियो होने वाला है ये वाला। तो जब तक ये ब्लॉग जाएगा जब तक तो ये अपलोड हो ही चुका होगा चैनल पे, क्योंकि अभी कितने बजे, ये अभी होने वाला है 11 बजे, 11 बजे अपलोड हो जाएगा ये। तो अगर नहीं देखा हो तो देखिएगा, बहुत ही एक टाइम तो ऐसा था इस वाले वीडियो में कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब मर जाएंगे और लॉबी में वापस आ जाएंगे, लेकिन S12 के OP भाई। तो अभी हम नीचे जाएंगे, कुछ खाने पीने का जुगाड़ करेंगे, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो गाइस यहाँ पे 3-3.5 घंटे की बारिश के बाद अब बारिश यहाँ पे इवेंचुअली रुक चुकी है। मौसम यार फिर से थोड़ा सा गर्म होने लगा, पर मेरे को अभी ठीक लग रहा है। अगर बारिश फिर से रिज्यूम होगी तो बिल्कुल सेक्स मौसम हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त जो है सोल मॉर्टल ने ज्वाइन करा, रात में वो घर पे रुका था, अब वो अपनी मम्मी के पास जो है सोने गया था। स्ट्रीम करने के लिए आया था वो सुबह, लेकिन फिर उसके बाद एकदम से इंटरनेट चला गया पूरे गेमिंग हाउस का, तो एकदम से एब्रप्टली इसका स्ट्रीम भी बंद हो गया। माफिया भी स्ट्रीम करने जा रहा था, माफिया जल्दी उठ जाता है 11 बजे, वो भी सुबह का स्ट्रीम करता है। तो अगर अभी आप लोग अगर सुबह का स्ट्रीम नहीं देखते हो, माफिया का सुबह बोर होते हो, तो आप माफिया का स्ट्रीम देख सकते हो। गलत कॉन्करर कुछ चलता है, ये देखिए कैसे टहलते रहते हैं पागल हो जैसे। बिल्कुल एक्सरसाइज बिल्कुल। तो मॉर्टल ये वाला एक्सरसाइज मेरे को सबसे बढ़िया लगता है, कमर पे लेकिन हाथ रखना होता है, कमर पे हाथ रखना होता है, हाँ ऐसा। ये वाला ये कराया जाता था सैटरडे को, और वर्स्ट पार्ट था ये, क्या कहते हैं, गर्मियों में स्कूल का सैटरडे मॉर्निंग, बिल्कुल MPT के नाम से मेरा पहला पीरियड लिखा होता था। हम लोग को बाय द वे मोटिवेट कौन करता है मालूम है एक्सरसाइज करने के लिए? पकड़ देख ध्यान से, एक सेकंड टेकिंग ओवर। कोई एड्रेस तो नहीं दिख रहा? नहीं, ये देखो, तो ये देखो गाइस, बता रहे ये रहा, ये रहा, ये रहा, रुको, ये रहा, इसको जूम करते ना, नहीं 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 ठीक है, ये है एक बैग, बॉक्सिंग बैग, पंचिंग बैग, पंचिंग बैग। यहाँ पे रोज सुबह आता है एक बंद, रोज सुबह नहीं, रोज शाम को आता है एक बंदा और मस्त पंचिंग करता है, पूरा मोटिवेट हो जाते हैं हम लोग उसको देख के। हाँ रात में ही बोला मैंने, शाम रात जो भी है, सुबह नहीं देखा। रात में गलत भाई उसका ड्रिल रहता है। ओ मैं पूरा, मैंने उल्टा सीधा कर दिया।
मतलब यहाँ पे एक भाई रहते हैं, गलत भाई, वो इसकी पिटाई करते हैं भाई, इस पंचिंग बैग की इतना मारते हैं इसको कि भाई हम लोग जब भी रात में आते हैं तो क्या कहते हैं, गलत ही उनको देख के लगता है कि भाई हम लोग कर क्या रहे हैं भाई, एक ही कुर्सी पे बैठे रहते हैं पूरा दिन और कुछ करते नहीं हैं। तो आज से इन्होंने ये स्टार्ट किया है। कुछ कर रहे हो क्या? तो मुझे हाथ हिलाते दिखे थे। तो खैर, कल का कमेंट सेक्शन कैसा रहा? बहुत बोरिंग हो तुम। मैं बोरिंग हूँ तो क्या गुत्थी बन जाऊँ, साड़ी पहन के नाचने लगूँ? हाँ बिल्कुल, साड़ी पहन के मैं शुरू हो जाता हूँ, या फिर डिंचा पूजा जैसे गाने निकालने लगता हूँ, तब मैं शायद थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो जाऊँ। है यही करना रह गया है मेरी जिंदगी में बस, ये सब तो अब तुम मतलब बिल्कुल बोरिंग हो गया है, खराब लगा यार, दिल सा टूट गया, इतना सा बचा बस, अब किधर होता है, इधर होता है, क्रैक हो गया, क्रैक सा हो गया, वो ऐसा ऐसा होता है ना, लकीरें बन जाती हैं। एक बंदा कमेंट करता है कि ये थग लिख रहा है कमेंट, तुम्हारे उसमें बोला तो मैं उसकी स्ट्रीम पे PS4 खेल रहा था, उसमें वो स्ट्रीम कर रहा था, तब PS4 कर रहा था ना स्ट्रीम पूरा। अच्छा तो वो मतलब कमेंट कर रहा, अच्छा भाई वो तो खेल रहा था ना यार, ऐसा थोड़ी वो खेल रहा था, तभी तो ये कमेंट कर पाया था मॉर्टल। नहीं मैंने दिल की बात आज तक बोली नहीं है ना, बहुत कम बोला है। तो लोगों को लगता है अच्छा तो अगर मतलब अनयूजुअल चीज हुआ है तो ये थक के वजह से हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, तुमने लिखा था ना, खराब मैं ही तो लिखूंगा। हाँ मतलब खराब लगा जी भाई, मैं कोई पिकाचू नहीं हूँ भाई, मैं तिवारी, मॉर्टल और सांगवान यूजुअली ऊपर आते हैं और यहाँ पे बैठ के अपना चिल करते हैं। तो अभी हम लोग पिछले आधे घंटे से यहीं बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे सब कुछ एंड ऑल, तो अब हम लोग नीचे जाएंगे। नाश्ता मैंने कर लिया है, मॉर्टल ने ओट्स खाए थे और मैंने ब्रेड ऑमलेट खाया था, क्योंकि इंटरनेट है नहीं, अब इंटरनेट की बिना कुछ करने को तो होता नहीं है, तो मोस्टली बिस्तर फिर से पड़ जाएंगे। पिलोगे बहुत बुरा, हम बहुत ड्रिल कर रहे हैं। सुनो तुम एंटरटेनर हो ठीक है, पर हम भूल गया तुम 12 केस 12 मिनट्स, तू समझा नहीं वहाँ पे क्या? मैं जानबूझ के जा रहा था ना ताकि तेरे को मारने मिले। मैं चाहूँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा वो वाला 12 मिनट मेरे को सेटिस्फैक्ट्री लगा, हालांकि चिकन डिनर नहीं हो पाया, लेकिन जो उतर के जो असली बूम बाम जो होता है ना, वो हम लोगों ने पूरा उसका मीनिंग को जस्टिफाई किया था। तो अभी खैर मेरा हाथ बहुत ज़्यादा थक गया है, अब हम नीचे चलते हैं और फिर फिगर आउट करेंगे क्या करना है, किसी को TDM में पेल दूंगा, लेकिन उसके लिए अभी तो इंटरनेट चाहिए होगा, हॉटस्पॉट। अच्छा हॉटस्पॉट, हाँ डेटा पे करेंगे, तो डेटा पे करेंगे और पेल आ जाएगा। The next day. तो गाइस सुबह के 12:30 बज चुके हैं, एक्चुअली सुबह के नहीं दिन के 12:30 बज चुके हैं, हालांकि मैं ऊपर टॉप फ्लोर पे 8-bit वाले रूम में सोता हूँ, लेकिन अभी ग्राउंड फ्लोर पे आ जाता हूँ मैं फौरन उठते ही, क्योंकि ये मेरा चिल करने का एरिया है। ये पता नहीं क्या ही हो गया मेरे, ये बिंदी आ गई है भाई, ये क्या क्या हो गया, ये मेरे को बिंदी क्यों है यहाँ पे, और पता नहीं मेरे साथ क्यों क्या होता है, ये आप लोगों के साथ होता है या नहीं। मैं सो के उठता हूँ और मैं ज़्यादा थका हुआ फील करता हूँ, पता नहीं क्यों, दिल करता है कोई मेरे कंधा दबा दे, कोई मसाज दे दे। आप लोगों के साथ होता है क्या? मुझे ऐसा लगता है मैं सो के और थक गया हूँ, इसलिए मैं सोता ही नहीं हूँ। तो सामान का ये स्लीपिंग स्पॉट है और मुरताल यहाँ पे सुबह की अपनी मेंबर स्ट्रीम स्टार्ट कर चुके हैं, 10:30 बजे उठ जाते हैं, फिर 11:15 बजे मेंबर स्ट्रीम चालू होती है इनकी, ये इनकी मेंबर्स ओनली स्ट्रीम, जहाँ पे सिर्फ ये ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। मतलब ये देखो कितने इस इंडिया में कितने सारे यूट्यूबर ऐसे होते होंगे जिन लोगों का व्यूअरशिप इतना आता होगा 46, लेकिन ये है मॉर्टल और ये है मेंबर्स ओनली स्ट्रीम। बहुत लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि मेंबर्स ओनली स्ट्रीम जो होती है उसका नोटिफिकेशन सिर्फ मेंबर्स को जाता है, चैनल पे जाओ तो वो तभी दिखेगी अगर आप मेंबर हो, तो आप लोग जाइए और जाके मेंबरशिप लिए। हो गया, गुड मॉर्निंग बाम्बा। तुम्हारे ब्लॉग पे हमें कमेंट पड़ा कि तुम्हारे ब्लॉग में 60% रेगल्टास रहता है, 30% मैं रहता हूँ और 10% तुम रहते हो। अक्षय को 0% में डालेंगे। नहीं, तो सुनना, इसका मतलब ये है कि
जो लिख रहा है कमेंट उसके घर पे 60% मम्मी रहती है उसकी, 30% वो रहता है, और 10% उसका डैडी रहता है घर पे। खराब लगा भाई। मैं तो भाई सांगवान और अक्षु को भी लिया भाई। नहीं अरे तू समझा नहीं कॉन्टेक्स्ट। हाँ कॉन्टेक्स्ट ये था कि मम्मी घर पे है। हाँ ठीक है, बेटा स्कूल जाके आ गया, पापा सबसे बाद में आते घर पे। हाँ समझा, 10% घर पे पापा ही है। भाई हमारा घर है, हम रहेंगे इधर कितना भी रहे भाई, और कोई है ही नहीं भाई, दुनिया ही ये दो फ्लोर की है भाई, और ये हमारी मम्मी 60% में मम्मी है हमारी। समझा ना? मैं तो फुल समझ गया, ये हमारा घर है। तो कंट्रोवर्सी करेगा क्या? बोले कंट्रोवर्सी करेगा तू? कंट्रोवर्सी करेगा तू? किल जा रहा है क्या तेरे? मेरे को रहेगा को हराना है यार, लेकिन किस में? टीडीएम में। देखो मतलब टीडीएम में तो हरा ही, 1v1 में हरा है भाई हर बार। हर बार मतलब मतलब ऐसा लगना नहीं चाहिए कि लक है। 30-40-0 ट्रेन करना मुझे तेरे को हराने के लिए भाई, ये टारगेट कर रहा है। अच्छा कान का दर्द कैसा है तुम्हारा अब? बढ़िया है। गाइस इस मासूम चेहरे के पीछे एक ऐसा हरामी डेलाइट छुपा हुआ है ना, इस मा ऐसा मैं कितना शरीफ था पहले जब सोल में आया था भाई, और संगति देखो भाई, वाइपर मोटल मामबा तो चलो सोल में आया था तो मेरे को काय गिन रहा है? पढ़े हो कहाँ तक? पढ़े हो तुम? मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ बता दू? कैंडी वाली हाईलाइट टाइटल के लिए जो ओ भाई हम बता रहे भाई, मैं सुसाइड तभी तभी यूज किया। अच्छा अगर वो बता दिया ना क्या है? क्या मैं बता रहा हूँ भाई? बताओगे तो भाई देख लेना भाई, डिसलाइक कर दोगे इस ब्लॉग को। एडिटर 100k डिसलाइक। एडिटर तुम्हें पता है यहाँ पे क्या करना है? अच्छा तो अभी हम लोग जाएंगे, ये ब्रश करेगा ये नॉटी मानुष, और फिर उसके बाद हम लोग नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर साथ में प्रैक्टिस रैक्टिस ये लोग करेंगे। मैं जा रहा हूँ अभी स्ट्रीम करने, मिलेंगे स्ट्रीम पे। ओके ओके ओके। पहली बार मैगी बना रहे हो तुम? क्या कर रहे हो भाई? भाई पानी गर्म हो रहा है भाई है? और मैगी बनी नहीं मिलता है मैगी में लिखा होता है। यस अम्मा मैगी बन नहीं रही, बहुत टाइम हो गया। क्या 2000 रुपए कर रखा है यार? 2020 करो आई कर ले, थोड़ा बढ़ा ले। तो 21 होगा, 2020 नहीं होगा। नहीं सर आप इरिटेटिंग कैमरामैन हो ना किसी का। मामा तुम व्लॉग बना रहे हो और बता नहीं रहे कैसे बनाना मैगी। भाई मैगी बताओ कैसे बनाना है। भाई मैगी बनाना तो हर किसी को आता है। तो तुम क्या कर रहे हो? मतलब वो खिला रहे हो। तुम उस वाली जनरेशन से हो यानी जब ये वाला गाना आता था, ऐड में 5 रुपए का मैगी लाना, 5 रुपए का मैगी खाना। तुम्हारी उम्र 32 साल है? ये तो नहीं सुना। ये तो नहीं सुना। मामा 32 साल का है ना वो? हमने वो रेड सुना हमने वो। अरे मामा मामा 32 साल का है। मामा 32 साल। हाँ मैगी तो हमने सुना है। मैगी मैगी अब मैगी भाई क्या मैगी है भाई? क्या है ये अभी तक बनी? रोज क्या तुम कौन सा वो शावरमा खा रहे थे क्या इसमें नूडल में से? भाई मेरे को लगा मामा बना रहा कुछ अलग रहेगा भाई। उसके लिए वो टमाटर चाहिए होता है, शिमला मिर्च चाहिए होती है। केला डाल के बना मैगी। केला मैगी क्या सोच के तूने केला और मैगी बोला है? कुछ नहीं वो तेरे पास नहीं ना इसलिए। भाई मामा ने मैगी बनाई है एक बारी। मैं बोलता मैगी देखिए भाई मैगी है। मॉडल 5000 मैगी तो मैंने की मैगी है। ये है हमारी सेक्सी मैगी। अभी मैगी मेड बाय सेक्सी मामा जो दिख नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। इसको इंडक्शन को 1100 पे होना चाहिए था, टेम्परेचर पे 2000 पे था भाई। कुछ गाइस स्पेशल अपीयरेंस है हमारे साथ आज। 8 बिट द माफिया सेक्सी वाले भाई। तुम हेटर हो बे, तुम हेटर हो। ये अच्छे लग रहे हैं। गोल्डन विद अ टच ऑफ ब्लैक अंदर से। ओ भाई साले
माफिया क्या ढूंढ रहे हो? इसका मैसेज किसका? क्या कर रहा है? इसका पुराना मैसेज क्या था उस मैसेज में? क्या ये आ सकता है क्या इसमें? जब इसने मुझे एक बार लाइनअप के लिए बात पूछा था मैसेज देखा पर मैं तब किसी और के साथ क्राई आउट कर रहा था, भाई ये मोबाइल लेकिन माफिया कब से चला रहा है तू? पीएमएससी शायद से वही है ना फैक्ट्री वाले फैक्ट्री उसे जो डायरेक्ट रिलीज होते हैं जो फोन कोरिया से तेरा ये पूरा नया पीछे 8 बिट भी लिखा हुआ दिखा इंडिया को इंटरनेशनल लेकिन हाँ यार दो बार सोल ने निकाला भाई अभी तक इंटरनेट और सोल के अलावा किसी ने नहीं निकाला ना चिकन टॉप 5 ओवरऑल आए थे वो मेरे को लगता है यार ये विनर विनर चिकन डिनर के अलावा कोई दूसरा नाम देना चाहिए इन लोगों को काफी लंबा हो जाता है बोलना। अच्छा गाइज आज हम एक बात पूछते हैं अगर नाम चेंज करना और ये सब बात आ रही है तुम मुझे बताओ रेगल्टॉस का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है स्पेनिश में गिफ्ट होता है इसका मतलब। तो तू गिफ्ट है बेसिकली। क्या गिफ्ट दिया तुम्हें? ऐसे क्या गिफ्ट है तेरे? मैं खुद एक गिफ्ट हूँ। मसाज कराना चाहिए, तेल लगाना चाहिए, वो वाली मशीन चलनी चाहिए सर पे। नींद आ रही है। The legend, the myth, 8-bit, the mafia, दोबारा से इस कमरे में सोने के लिए आ गए हैं। देख रहा है पट से तो ये क्या है माफिया ये तुमने ऐसे ईयरफोन फेंक दिया बच्चे के ऊपर तुम कम हो 8-bit वाले सब बोले अबे साले माफिया भाई रिस्टार्ट कर ले भाई नेट चल रही है कैसी घट रही है स्ट्रगल चल रहा है किस चीज का स्ट्रगल यूट्यूब पे सब्स बढ़ाने का यूट्यूब पे सब्स बढ़ाने का कॉन्करर पहुंचे इस बार अभी हो गया सुबह हो जाएगा 5:30 बजे पहुंच गए कॉन्करर घर कब जा रहे हो नहीं क्या कह रहे बुलाते ही नहीं है घर वाले बोलते उधर ही बैठा रहे तो घर वाले अभी कह नहीं रहे जाए तू भी तो 25 को ही आ गया था 25 फरवरी को अरे हाँ, तेरे से एक दिन बाद आया था। क्योंकि तुम्हारा शायद शुरुआत में आने का नहीं हो रहा था गेमिंग हाउस और फिर तुम्हारा सडनली हुआ था हो रहा था बट थिंग इज कि मुझे कुछ काम था मैं उसकी वजह से नहीं आ पाया अच्छा। मैं घर शिफ्ट ही कर रहा था ना हाँ और उसी बीच तुम्हारे घर पे डकैती भी पड़ी थी तो हम लोग गए थे होम टाउन में ठीक है घर में कोई कीमती सामान तो था नहीं मेरा लैपटॉप था और पापा का लैपटॉप था और मेरा लैपटॉप तो है बहुत महंगा पापा बोले कि लैपटॉप को ना बैग में डाल और पड़ोसी के घर छोड़ा हम चले गए अच्छा लैपटॉप तुम पड़ोसी के घर पे छोड़ गए अच्छा हाँ, तभी हाँ, बच गया था ओ अच्छा आज तो बहुत लेट हो गए सोने में कोई खास वजह वो शाम को सो गया था ना 2.5 घंटे तो फिर कल फिर से 11:30 बजे से स्ट्रीम करनी है अच्छा आज का दिन भी इसी तरीके से ख़त्म हो गया सब लोग सोने चले गए हैं एज यूजुअल सांगवान ही साथ देता है ये मेरा सेटअप है मेरा स्ट्रीमिंग सेटअप बस कुछ नहीं इस वक्त मैं यूट्यूब पे थोड़ा ब्राउज कर लेता हूँ थोड़ा देख लेता हूँ क्या चल रहा है बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अब मेरा सेटअप देखने को कि वो चाहते हैं तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ तो मेरा सेटअप कुछ इस तरीके का दिखता है ये मेरा CPU है एक्सटेंशन बोर्ड लगा हुआ है इसमें मैं अपने चार्जर्स एंड ऑल ये सब लगा के रखता हूँ मैं चाहता था इसमें कुछ अच्छी सी लाइट एंड ऑल इनपुट करूँ अभी के लिए तो ये सही है ये मेरा एक 2 मॉनिटर सेटअप है ये मेरा हेडफोन HyperX माउस मेरा और कीबोर्ड ये मेरा अभी एक छुटकू सा कैमरा है कुछ दिन बाद सोच रहा हूँ कि इसको अपग्रेड करूँगा थोड़ा सा तो 16th को मेरा भी जाने का है सांगवान मैं और रेगा एक साथ एक ही फ्लाइट पे दिल्ली को फ्लाई करेंगे सांगवान और रेगा दिल्ली में ही रहते हैं तो वो लोग तो इंस्टेंट पहुंच जाएंगे मुझे दिल्ली से भी अपने होम टाउन ट्रैवल करना होगा फॉर लाइक 3 आवर्स
घर जाने का दिल भी होता है, लेकिन अब बहुत जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं ख़राब लग रहा है। मैंने सोचा है कि मैं 2-3 वीक्स के लिए घर जाऊंगा, क्योंकि मैं दिसंबर से घर अभी तक नहीं गया हूं। लेकिन वही है, 2-3 वीक्स में 2 वीक्स तो एटलीस्ट तो मुझे होम क्वारंटाइन खुद को करके रखना ही होगा। देखूंगा कैसे प्लान आउट करूंगा, क्या कितना दिन रहना है और फिर उसके बाद कब वापस लौट के यहाँ पे आना है। साथ रहते रहते जो एक दूसरे के लिए जो एक स्पेस बन गया है वो एक अनडिफाइनेबल चीज़ है। तो मैं एक और चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने ब्लॉग करना स्टार्ट किया था तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ब्लॉगिंग सॉर्ट ऑफ चीज़ करूँगा। तो अभी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ एक ही घर की है, सिर्फ 2 फ्लोर और 4 कमरे ऊपर और 1 नीचे हॉल। लॉकडाउन चल रहा है जबकि हम लोग जाते हैं मरीन ड्राइव पे घंटों घंटों, हम लोग सब लोग बैठते हैं वहाँ पे। आप लोगों ने बहुत बार इंस्टाग्राम स्टोरीज पे देखा होगा, बहुत कुछ दिखाना चाहता हूँ लेकिन ऐसा माहौल है अभी कि नहीं दिखा सकता। लेकिन आगे आने वाले वक्त पे ब्लॉगिंग अगर कंटिन्यू रही, जो कि आई होपफुली वॉन्ट टू डू इट, मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि आप लोगों को इसी चीज़ से के अक्रॉस लाऊं कि हम लोग बिहाइंड द सीन स्ट्रीम पे जो रहते हैं वो एक अलग वर्ल्ड रहती है। कमेंट्स का रिप्लाई करना, गेम खेलना, एंटरटेन करना, लेकिन उसके बाद हमारी निजी ज़िंदगी में हम लोग किस तरीके से वक्त बिताते हैं, हु आर वी एज अ पर्सन, क्या क्या कुछ नहीं करते हैं, ये मेरा मेन मोटिव रहता है। तभी मैं बिल्कुल उसको जिस तरीके से कैप्चर करता हूँ उसी तरीके से आप लोगों के सामने लाने का कोशिश करता हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि आप लाइक कर रहे हो तो उसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। मैं जो आप लोगों को मज़ा देना चाहता हूँ आप लोग उस मज़े में इन्वॉल्व हो रहे हो। और इसी तरीके से प्यार दिखाते रहिएगा, जो ब्लॉग की सीरीज़ पर आप लोगों ने प्यार दिखाया है, जो आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया है। तो बस इसी के साथ गाइस मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा इस ब्लॉग के लिए, और अगली बार मिलेंगे और होपफुली बेटर चीज़ के साथ मिलेंगे। आई लव यू ऑल, हमेशा से आगे भी करता रहूँगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टिल देन लव यू ऑल।